पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक, सुरक्षा घेरे को तोड़कर करीब बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन, सीतारमण बोली नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर चर्चा नहीं हुई। उत्तर भारत समेत मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, दिल्ली में एक डिग्री तक जा सकता है पारा। संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक अस्पताल और पैथोलॉजी को किया गया सील। संभल के प्राइमरी स्कूल में राशन का हुआ वितरण, ग्रामीणों ने पूरा राशन न देने का लगाया आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद में प्रशासन द्वारा की गई छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाने दोबारा से शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम में ठंड और ठिठुरन का एहसास अभी भी बना हुआ है और लोगों को यह ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों का मानना है कि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ रहा था और अभी स्कूल खोले जाने से बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कपड़े उड़ा के अच्छे से गर्म कपड़े पहना के भेज रहे हैं और कल से ही स्कूल खुले हैं, तो वो भी ज़रूरी है और ठंड से बचना भी ज़रूरी है। तो कितनी ठंड है अभी पहले के मुकाबले? ठंड में अभी कुछ आज आराम लग रहा है, धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही है। अभी 10 बजे हैं। अगर ठिठुरन की बात करें तो ठिठुरन, हाँ, दिन सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ठिठुरन है। बाकी अभी क्योंकि 9:30 का टाइम हो रहा है तो अब थोड़ा मौसम ठीक सा हो रहा है। डॉक्टर लगातार दे रहे हैं बच्चों को, अभिभावकों की, अपने बच्चों को ढककर भेजे स्कूल अगर बिल्कुल भेज रहे तो। एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसीजन है उसके अकॉर्डिंग ही स्कूल खुले हैं, तो इसमें ऐसा कोई बड़ा चैलेंज मुझे नहीं लगता कि है। हालांकि छोटे बच्चों को खासा परेशानी होती है सुबह के समय स्कूल आने में, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? छोटे बच्चों का तो दिक्कत तो है थोड़ी सी, बट ठीक है, उसको स्कूल ने थोड़ा सा मैनेज किया है, टाइमिंग जो है शिफ्ट किया है। जो टाइमिंग 8 o'clock मॉर्निंग का था उसको अराउंड 10 o'clock का कर दिया। जैसे कि जो स्कूल के स्कूल बस से आते हैं बच्चे दूर दूर से, तो उनको सुबह जल्दी उठना होता है, उनके लिए कैसी परेशानी है? देखिए, क्लॉक तो वैसे ही चलनी है। कासगंज के गंज डूंडवारा नगर के मोहल्ला मूलचंद में चल रहे 5 दिवसीय मूलचंद क्लब कैरम टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मोहल्ला खैरू टीम मोहल्ला मूलचंद की टीम को 8 पॉइंट से हरा कर विजेता बनी, जिसके बाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार स्वाले अंसारी ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को चांदी के पेन और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे हैं। नौजवानों के स्किल को बढ़ाता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए खेलों में दिलचस्पी लेना भी ज़रूरी है। काम के साथ साथ इससे शरीर भी मजबूत होता है और इसके अलावा और भी खेल हैं। ये तो इंडोर गेम है जो कमरे के अंदर बैठ कर खेला जाता है, लेकिन जो खेल मैदान में खेले जाते हैं उनका भी बढ़ावा देना चाहिए और उसी से ज़्यादा शारीरिक ताकत बढ़ती है और नौजवानों में कानपुर में मोती झील मैदान में शनिवार से 4 दिवसीय ग्रांड होजरी का एवं गारमेंट फेयर का शुभारंभ किया गया। इस फेयर का आयोजन उत्तर प्रदेश गारमेंट एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। इस कपड़ा मेला में 450 से भी ज्यादा स्टॉल सजाए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद सत्यदेव पचौरी, मेयर प्रमिला पांडे, UPGMTA के चेयरमैन नजम हमराज जैसे तमाम दिग्गज व्यापारी मौजूद रहे। इस मेले में शहर के गारमेंट व होजरी उद्योग की पहचान पूरे देश में बढ़ेगी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी की गई है, ये एक छत के नीचे कानपुर शहर के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, होजरी एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, सबको एक छत के नीचे मुहिम थी एक लाने की,
कई सालों से सपना चल रहा था कानपुर शहर का कि एक छत के नीचे सबको लाया जाए, जिससे कानपुर में बहुत कुछ चीज़ें अब ऐसी होने लगी हैं जो कि लोगों की जानकारी तक नहीं है। ऐसी ऐसी आइटमें यहाँ बनने लगी हैं जिसको हमें बहुतों तक पहुँचाना था कि इस कानपुर शहर में भी बहुत कुछ हो रहा है, गारमेंट के संबंध में, लेडीज़ वियर में, मेंस वियर में, कोट सूट में। हर दृष्टि से और इसके राजस्व से उत्तर प्रदेश सरकार को लाभ की दृष्टि से ये एक लैंडमार्क कार्यक्रम कानपुर के इस मोती झील पार्क में मैदान में हो रहा है। मैं सभी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों को बहुत बधाई देता हूं और मैंने तो अपील की है, आग्रह किया है कि इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष होना चाहिए और होजरी जिस प्रकार से होजरी का हब कानपुर को बनाया जा रहा है, मल्टी स्टोरी फैक्ट्री भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में बन रही है, तो इस होजरी का बड़ा व्यापार पूरे इस कानपुर से प्रारंभ होकर, जैसे मैनचेस्टर कहा जाता था, कानपुर से लेकर के पूरे पूर्वांचल से। हरदोई जिला पंचायत सदस्य के गुर्गे की गुंडई का एक मामला सामने आया, जिसमें खनन कर रहे माफिया के गुर्गे ने डंपर से एक बोलेरो कार में टक्कर मार दी, जिसमें उसमें सवार लोग बाल बाल बच गए और जब वो बाहर निकले तो आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य समेत उसके गुर्गों ने असलहों से लैस होकर धारदार हथियार से उनको पीटा है, जिसमें वो किसी तरह वहां से जान बचा कर भागे, लेकिन इस दौरान उन पर दबंगों ने फायरिंग भी की, तो वही मामले की तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। तीन आदमी ऊपर बैठे रहे हैं। कौन लोग थे ये? सचिन मिश्रा कह रहे हैं। क्या है सचिन मिश्रा? सचिन मिश्रा यहाँ कोई नहीं है, सदस्य। उनका डंपर था? एक दफा रहे नहीं, एक रात में दिखा नहीं, दिन आपको नहीं दिखा दी, और पाँच लड़का बच्चा कहाँ जी है, अगर दिन आपको नहीं दिखा दी काम नहीं करेंगे, रात में नहीं करेंगे, यही कहा। रास्ते में सचिन मिश्रा के डंपर ने बोलेरो में टक्कर मारी, उससे जब हम लोग बच गए, उसके बाद बोलेरो से निकले, तब उनके साथियों ने हमारे साथियों को बहुत मारा, लाठगोसों से, चाकुओं से, तमंचा से गोली फायर भी की, फिर वहाँ से हम लोग मील के पीछे छिप छिप के भाग गए वहाँ से। क्या वजह थी फायर वायर करने की? वजह यह थी पुरानी रंजिश हमारी सचिन मिश्रा की चल रही थी। किस वजह से? इस वजह से एक बार कौड़ा ताल फाटा गया था, उसमें सचिन मिश्रा ने काम किया था। संभल के असमोली विकास खंड के गांव मुबारकपुर बंद में प्राइमरी स्कूल में आंगनवाड़ी द्वारा शामु का राशन वितरण किया गया। गर्भवती महिलाओं को भी राशन वितरण किया जाना था, जिसने छोटे बच्चों का गर्भवती महिलाओं को रिफाइंड नहीं दिया, जिसको लेकर महिलाओं व बच्चों के माता पिता में आक्रोश देखने को मिला। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें दो बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का ही राशन मिलता है, जिसमें से भी ये लोग हमें पूरा राशन नहीं दे पाते, तो वहीं जब आंगनवाड़ी के रूप में कार्य कर रही हैं, जग रोशनी में इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा हर महीने राशन दिया जाता है और राशन पूरा ही दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के आबकारी विभाग की टीम ने जोया टोल प्लाजा के पास से चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी और अमरोहा आबकारी निरीक्षक के निर्देश पर उधम सिंह नगर निवासी के एक व्यक्ति को 60 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए मुकदमा लिखकर उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहाँ से अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के द्वारा की गई है। जोया टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान उधम सिंह नगर निवासी एक व्यक्ति को 60 बोतल अवैध विदेशी मदिरा सहित गिरफ्तार किया तथा एक वाहन को जब्त किया। पकड़ी गई शराब जो है हरियाणा राज्य में बिक्री हेतु थी। खबर संभल से, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले को समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान ने उनकी तारीफ की है। सपा सांसद ने कहा कि मायावती ने अल्पसंख्यकों और पिछड़े के विकास के लिए बहुत काम किया है, वर्तमान सरकार पिछले और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रही है। सांसद बर्क ने मायावती के फैसले की जमकर तारीफ भी की है। कौम के लिए
या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ, सन 9 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं, वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर, ताकि OBC के लोगों का के गोंडा के गलमंडी के पास गणपति इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में दबंगों का कहर देखने को मिला। आधा दर्जन से अधिक युवकों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक और कर्मचारी की पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी दबंग घटना स्थल से फरार भी हो गए और ये मारपीट की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस विधिक कार्यवाही में जुट गई है। औरैया में युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसका आरोपी ने अश्लील वीडियो बना लिया है और वीडियो वायरल करने की पीड़िता को धमकी देकर धर्मांतरण करने का दबाव बना रहा था। युवती ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोप लगाया था कि जुलाई 2021 में उसके साथ गलत काम किया गया, जिसका वीडियो बनाकर उसके आधार पर उसे ब्लैकमेल करके अपने साथ रखा गया और वर्तमान में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रकरण में तत्काल तहरीरी सूचना के आधार पर समी 3 धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर। संभल के स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी ने पहुंचकर एक अस्पताल व एक पैथोलॉजी लैब को सील भी कर दिया है। इसके साथ ही कार्यवाही से खौफ आकर असमोली में फर्जी अस्पताल संचालक अपने सटर डालकर फरार हो गए हैं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।